का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट किया था कि 15 तारीख तक सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट दोस्तों बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसको लेकर आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है CTET NIC.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सीटेट रिजल्ट 2024 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक मिल जाती है, ये देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2024 की जो लिंक है यहाँ पर रिजल्ट की, उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए इस बार सीटेट का पेपर फर्स्ट जो हुआ है दोस्तों उसमें 9,58,000 विद्यार्थी, और जो पेपर सेकंड हुआ है दोस्तों उसमें 17,33,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में भाग लिया है। टोटल 26,00,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। फाइनल आंसर की अभी बोर्ड ने हालांकि जारी नहीं की, एक बार फाइनल आंसर की भी देख लेते हैं दोस्तों। रिजल्ट इस प्रकार से चेक करना है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही आप यहां पर आओगे इसमें रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहां से कोई भी रोल नंबर जो आप डालोगे दोस्तों, उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद या फिर जो भी आपका रोल नंबर है वो सर्च कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर पाओगे। तो अभी मैंने यहाँ पर दोस्तों जो रोल नंबर डाला वो शायद गलत है, लेकिन आपको यहाँ पर रोल नंबर इस प्रकार से डाल देना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये होगी दोस्तों आपके सीटेट के रिजल्ट की बात। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट की फाइनल आंसर की क्या जारी हुई है। तो फाइनल आंसर की भी देख लेते हैं क्या बोर्ड ने अभी जारी की है। तो देखिए अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल आंसर की कॉलम में अभी आपकी अगस्त 2023 की ही आंसर की है। और इस बार पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए जो टोटल 26,00,000 विद्यार्थियों में से 84% विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए थे दोस्तों उसमें आपके अलग अलग पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के विद्यार्थी थे। अब इसमें पास होने के लिए देखिए जनरल कैटेगरी में आपको अंक लाने होते हैं 90 अंक, बाकी कैटेगरी अगर आप OBC से हैं, SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं तो आपको पास होने के लिए लाने होते हैं 82 अंक। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके इसके आसपास नंबर थे तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाइड हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि सीटेट में फाइनल आंसर की में या जो मॉडल आंसर की से आपने मिलान किया था दोस्तों, उससे रिजल्ट में कितना अंतर है, कि आपके नंबर बड़े हैं या फिर कम हुए हैं। ये पूरी जानकारी है सीटेट वाले विद्यार्थियों के लिए। रिजल्ट आप चेक कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।